गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम बर्ज, आज है day 4। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, फिर से वही लोड वाला काम करना। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से एक रूफ कैरियर लगवा लूँ, अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर सारा सामान लोड कर दूंगा। लेकिन नहीं होता है तब भी हम 5 लोग जैसे हम आए थे, जैसे ट्रैवल कर रहे थे वैसे ही ट्रैवल करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट सारा सामान पहुँच चुका है, बस थोड़ा सामान मेरे पास रहता है, इसको लेके मैं निकलता हूँ। और हाँ, आज मैं ग्लव्स पहन के ड्राइव करने वाला हूँ। तो चलिए अभी मिलते सीधा आपको गाड़ी के अंदर, थोड़ा पैकिंग करते हैं, थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। चलिए उनका देखो भाई, गाड़ी फिर से लोड हो गई। अब हमने यहाँ थोड़ा अलग तरीके से किया है, ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है और ये थोड़ा सामान हमें गैप दिया है इसमें, ताकि थोड़ा सा फ़र्क पड़ सके कैमरे के। और हमने इस बार क्या चेंज किया है, इस बार सीट है हमने थोड़ी सी आगे की तरफ कर दी है, देख पा रहे होंगे ये गैप, देखो थोड़ी सी आगे करने की वजह से थोड़ा सा जगह और बन गया इसके अंदर। पर मच्छर इतने सारे हो गए ना, विंडो हमने खुली छोड़ दिया। अरे भाई क्या कर दिया यार, शिट 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 शिट, निकलो निकलो सारे मच्छरों, निकलो सबको खोल। लो जी, एक ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लिया हमने। यहाँ के रोड की अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे गाँव के अंदर बहुत छोटे छोटे रोड है, क्योंकि सड़क को ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, छोटा तो नहीं है मतलब साइज़ के हिसाब से बड़ा है। यहाँ पर कहीं पर भी जाओ आपको गुजरात थाली मिल जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। देखो भाई कितना लंबा ट्रक है, और ये जो ट्रक है ये विंड मिल का पार्ट लेके जा रहा है भाई साहब। उसके आगे भी एक ट्रक है जो पेट्रोल भरवाने के लिए रुका हुआ है। तो यहाँ पर ये विंड मिल के पार्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रक्स लंबे वाले चलते रहते हैं हमेशा। बहुत सीन ऐसे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। सीमेंट बनाता है ये भी। सीमेंट क्या बनाता है? सीमेंट सारे इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट, एमआरआई मशीन है, इतने बड़े बड़े मशीन है, सब सीमेंट्स के आते हैं। देखो जी, गुजरात के अंदर है पेट्रोल 88 रुपीज़, और राजस्थान के अंदर लगभग लगभग 100 रुपये के आसपास है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम लोग अभी वेट करेंगे पेट्रोल पंप आने का, जब बॉर्डर आने वाला हो गुजरात का, तो वहाँ से हम टैंक फुल करा के चलेंगे। जानता हूँ कि भाई इतने पेट्रोल से पूरा राजस्थान घूम नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ पैसे तो बच ही पाएंगे ना। हो गया भाई, एक छोटा सा चाय ब्रेक हो गया है। अभी बहुत बढ़िया सी जगह पर रुके हैं, छोटी सी जगह, थोड़ा ढाबा लगा हुआ है यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ सही एकदम, है कचरा वचरा नहीं दिखा रहा। गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, पूरी गाड़ी लोडेड है, लेकिन अब थोड़ा पैर स्ट्रेच करने का टाइम है। लगभग लगभग 350 या 400 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग, और थोड़े से बाकी हैं, कितना किलोमीटर बाकी हैं। और रास्ते के बीच में रुके हैं हम लोग, वहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए हैं। चाय कॉफ़ी तो नहीं है यहाँ पर। अरे टायर देख लो, देखो टायर का गैप जो है अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब गाड़ी चलने में एकदम ज़बरदस्त है। ब्लैक ये ब्लैक अलॉय लगाने में तो और अच्छी लगेगी। लुक एट दोस बॉयज, जो सुसु करने का तो भैंस आ गई थी, इसलिए अमल डर गया। So I'll
just hope that I could show you you're golden. Hey, you're golden. हेलो जी, स्टेटस अपडेट देता हूँ कि 130 किलोमीटर बचे हैं जैसलमेर पहुँचने के लिए। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, पहला फोर्ट के अंदर रहने के लिए, दूसरा फोर्ट से बाहर टेंट सिटी में रहने के लिए। अब टेंट सिटी में दिक्कत ये है कि वो 40 किलोमीटर दूर है और वहाँ से अंदर आना जाना इट्स डिफ़िकल्ट। तो अभी हम वही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हम रुके हैं एक चाय के ढाबे के ऊपर, काफ़ी पीसफुल है, छाया है और यहाँ पर एक ही चीज़ है कि यहाँ पर सारे कीकर के पेड़ हैं, मतलब मैक्सिमम जितने भी कीकर के पेड़ हैं। तो मतलब घनी छाया नहीं है लेकिन है, छाया है। और अभी इतना गर्मी है नहीं जितना जून जुलाई में होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स बेटर। चाय पी के चलते हैं फिर से। भाई साहब को मोर दिख गया, अभी वहाँ जाके देखते हैं कि कितना पास जा सकते हैं। वो टावर पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो लॉक लगा दिया जॉनी, लॉक लगा दे। अरे चला गया वो तो। लो जी, हम पीछे शिफ्ट हो गए, अब जॉनी ड्राइव करेगा। हम बीच में बैठेंगे क्योंकि हमको सनरूफ से निकल के तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सैंड ड्यून्स। और हम जहां पर रुके हैं, हम मतलब क्या हो रहा है पता नहीं, हर बार हम लेट ही पहुंच रहे हैं। यहां पर जब पहुंचे हम लोग तो जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया। खाना चलो खा लिया हम लोगों ने, आधा घंटा बचा था, खाना खा लिया सबसे पहले, पर वो फंक्शन जो है डांस है वो अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो सफारी है, जीप सफारी और कैमल सफारी, दोनों के दोनों चीज़ें अटेंड करेंगे। पर लेकिन यार एक बात की है कि 12 घंटे के अंदर हम पहुँच गए जैसलमेर। थकावट इतनी ज़्यादा नहीं है कि मर जाए एकदम से, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल ड्राइव थी। मलयाली सेटिंग इज डेक। जोरी का पेट ऐसे निकल आया ना अभी, बियर पी के।